माई महाराज जी की, माँ के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मैंने आपको अभी तक माँ के मंत्रों और माँ की कथा के बारे में बताया। आज मैं आपको माँ को प्रसन्न करने की तथा माँ की आराधना करने का सरल उपाय, या कहें कि किस तरह माँ बगलामुखी का तांत्रिक प्रयोग करें, वह बताऊंगी। इससे पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर माँ से जुड़े सभी मंत्र, चालीसा, कवच भजन इत्यादि उपलब्ध हैं। उसे आप जरूर देखें और सुनें। माँ की साधना अथवा प्रार्थना में श्रद्धा और विश्वास असीम हो, तभी माँ की शुभ दृष्टि आप पर होगी। इनकी आराधना करके आप जीवन में जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इनकी आराधना करने वाला शत्रु से कभी परास्त नहीं हो सकता। इनकी आराधना करते समय ब्रह्मचार्य परम आवश्यक है। गृहस्थ भाइयों के लिए माता की आराधना का सरल उपाय प्रस्तुत है। आप इसे करके शीघ्र फल प्राप्त कर सकते हैं। माता बगलामुखी की आराधना के लिए जब सामग्री आदि इकट्ठा करके शुद्ध आसन पर उत्तर के ओर मुंह कर बैठें, दो बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली सिद्धासन या पद्मासन हो। जब करते समय पैर के तलवों और गृह स्थानों को ना छुएं। शरीर, गला और सिर सम स्थित होना चाहिए। इसके पश्चात गंगा जल का छिड़काव स्वयं पर करें और यह मंत्र पढ़ें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगतो विवा यः समरेत पुंडरीकाक्षां स ब्रह्मा अभ्यंतरः सूचिः। उसके बाद इस मंत्र से दाहिने हाथ से आचमन करें। ओम केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। अंत में ॐ ऋषिकेशाय नमः कह के हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ते हुए तीन बार प्रणाम करें, चोटी बांधें और तिलक लगाएं। अब पूजा दीप प्रज्वलित करें, फिर विघ्न विनाशक गणपति का ध्यान करें। अपने हाथों में पीले पुष्प लेकर उपरोक्त ध्यान का शुद्ध उच्चारण करते हुए माता का ध्यान करें। उसके बाद यह मंत्र जप करें। मंत्र है, ॐ हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टनां वाचं मुखं पदं स्तंभ स्तंभ जीवहान किले किले बुद्धिं विनाशाय हरिं ॐ स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद पीली हल्दी की गांठ माता को समर्पित करें। आप चाहें तो इसी मंत्र से माता की विधि से पूजा भी कर सकते हैं। माँ के भक्तों, आपको माँ की ये विधि कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं माँ से जुड़ी और भी बातों को लेकर आती रहूंगी। माँ बगलामुखी से जुड़े रहने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि माँ से जुड़ी और भी कथा या कोई नया भजन सुनने से आप वंचित ना रह जाएं। माँ बगलामुखी की और भी कथा और कई खास बातें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। माँ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और माँ से जुड़ी कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय माँ पीताम्बरा की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
चैनल टेक आपके लिए लाते रहेगा और भी वीडियोस। तो जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल टेक को, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं।